जय हिंद दोस्तों, आज हम ब्रिटिश गवर्नर एवं गवर्नर जनरल और जो 1800 क्रांति के बाद वायसराय हुए हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख ड्रेक था। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, इसी कारण प्लासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। बंगाल के गवर्नर क्लाइव 1757 से 1760 और इसके बाद जो इनका कार्यकाल रहा था वो रहा था 1765 से 1767, यानी कि दो बार भारत के यानी बंगाल के गवर्नर रहे थे। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। बक्सर की विजय के बाद इसे पूर्ण गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया। इसके समय की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहली है दीवानी की प्राप्ति। बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दूसरा कारण है व्यापार समिति। प्लासी और बक्सर के युद्धों में सफलता के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने उपहार एवं निजी व्यापार के जरिए खूब धन बटोरे। क्लाइव ने इसे बंद कर दिया तथा आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। इन प्रतिबंधों से जो हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अगस्त 1765 ईस्वी में कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापार समिति बनाई गई। इसको नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दिया गया। 1768 ईस्वी में यह योजना समाप्त कर दी गई। तीसरी घटना है श्वेत विद्रोह। क्लाइव ने बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद कर दिया तथा जनवरी 1766 ईस्वी से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। मुंगेर तथा इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों ने इस आज्ञा का विरोध किया। इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, परंतु क्लाइव ने इसे श्वेत विद्रोह को दबा दिया। घटना नंबर चार दलित शासन। क्लाइव ने बक्सर युद्ध में सफलता के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल में दलित शासन लागू किया जो 1772 ईस्वी तक चलता रहा। वारन हेस्टिंग्स ने आते आते ही इसे समाप्त कर दिया। घटना नंबर पांच बकर ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा है, जबकि प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने उसे भविष्य का अग्रदूत कहा है। क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी। अगला है हालवेल। यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थानापन्न गवर्नर बना। इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। नेक्स्ट है वेंसी टाट। 1760 से 1765 ईस्वी बक्सर के युद्ध के समय वेंसी टाट ही बंगाल का गवर्नर था। नेक्स्ट है क्लाइव, जिसको हमने अभी पहले पढ़ा है, 1765 से 1767 ईस्वी। अगला है वेरे लस्ट। 1767 से 1769 ईस्वी द्वेष शासन के समय ये बंगाल के गवर्नर थे। नेक्स्ट है कर्टियर। 1769 से 1772 ईस्वी इनके समय में बंगाल में द्वेष शासन जारी रहा। 1770 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग। 1772 से 1774 ईस्वी यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसने बंगाल में द्वेष शासन को समाप्त कर दिया था। आगे है बंगाल के गवर्नर जनरल। 1773 ईस्वी के रेंगलेक्ट के तहत वारन हेस्टिंग। 1774 से 1785 ईस्वी रेंगलेक्ट के तहत वारन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इनके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहली है राजस्व बोर्ड।
1772 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने राजस्व बोर्ड का गठन किया तथा कोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। नंबर दो, भूमि सुधार। वारन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में 5 वर्षीय एवं 1773 ईस्वी में 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त किया। नंबर तीन, न्यायिक सुधार। 1773 ईस्वी के रेंगुल एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश इनके था। इसके तीन अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट थे। इस प्रकार भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारन हेस्टिंग्स को माना जाता है। नंबर चार, बनारस की संधि 1773 ईस्वी। इसी संधि से प्रेरित होकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1774 ईस्वी में रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया था। नंबर पांच, फैजाबाद की संधि 1773 ईस्वी। इस संधि के द्वारा अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा गारंटी दी गई थी। इसी संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजी स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई। नंबर छह, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की। इसके द्वारा अनुदित पहली पुस्तक भगवद गीता एवं दूसरी हितोपदेश थी। नंबर सात, नंद कुमार पर अभियोग 1775 ईस्वी। नंद कुमार मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व दीवान था। इसने वारन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम से अल्प वयस्क नवाब मुबारकदौला का संरक्षक बनने के लिए लॉर्ड वेलजली
1798 से 1805 ईस्वी। यह 37 वर्ष की आयु में भारत का गवर्नर जनरल बना। इसके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहली है सहायक संधि प्रणाली। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलजली ने सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य के वैदेशिक संबंध अंग्रेजी राज्य के अधीन हो जाते थे, परंतु उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम निम्नलिखित है: हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802 ईस्वी, भोंसले 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी, जोधपुर, जयपुर, मंचेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। नंबर दो, फोर्ट विलियम कॉलेज। वेलजली ने नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? आईसीएस जो भर्ती होते थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए। नेक्स्ट है सर जॉर्ज बारलो, 1805 ईस्वी से 7 ईस्वी तक। इसने अहस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया तथा मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो, 1807 से 1813 ईस्वी तक। इसके समय में रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी प्रसिद्ध अमृतसर की संधि हुई थी। संधि पर अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से 1823 ईस्वी। इसके समय में अहस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता इसी के समय में स्थापित हुई थी। इसके काल की
नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1806 ईस्वी में उसने सैनिकों को माथे पर जातीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनने से मना कर दिया, जिसमें वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह हुआ। बेंटिंक एक कट्टर ही उदारवादी था। उसका समय विभिन्न सामाजिक सुधारों के कारण याद किया जाता है। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया था। नेक्स्ट है ठगी प्रथा। ठगी प्रथा का अंत बेंटिंक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल सलीमन की नियुक्ति की। 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। थर्ड, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। 1833 ईस्वी के चार्ट एक्ट की धारा 80 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। अब यह मान लिया गया कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्मस्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं रखा जा सकेगा। नंबर चार, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना। 7 मार्च 1835 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। इससे पहले जो भारत की शिक्षा थी वो थी फारसी भाषा। नेक्स्ट है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। 1835 ईस्वी बेंटिंक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। छठा है भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि। बेंटिंक ने अव्यवस्था का आरोप लगा अगर 1831 ईस्वी में मैसूर, 1834 में कुर्ग तथा कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया। नंबर सात, बेंटिंक ने ही सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकाफ। 1835 से 1836 ईस्वी इसने समाचार पत्रों पर से भी प्रतिबंध हटा दिया। इसी कारण इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 से 1842 ईस्वी प्रथम अंगल अफगान युद्ध। ऑकलैंड के समय में प्रथम अंगल अफगान युद्ध 1838-42 में हुआ। इसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हुई। इतिहासकार इन्नस ने इस युद्ध को भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्धों की गणना की है। त्रिपक्षीय संधि। शाह शुजा अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इस संधि के द्वारा शाह शुजा को अफगानिस्तानी गद्दी पर बिठाया जाना तय हुआ, परंतु बाद में रणजीत सिंह इस संधि से अलग हो गए। थर्ड, इस समय सहरसा सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड एलनब्रो। 1842 से 1844 ईस्वी सिंध का विलय। एलनब्रो के समय 1847 ईस्वी में सिंध का विलय किया गया। सिंध के रेजिमेंट चार्ल्स नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा, हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे। यह एक लाभदायक, उपयोगी एवं मानवतापूर्ण नीचता होगी। दास प्रथा का अंत। एलनब्रो ने 1843 ईस्वी के अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया और 1843 में इसने ग्वालियर के साथ युद्ध भी किया था। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी प्रथम अंगल सिख युद्ध इसी के समय हुआ था, जिसका समापन लाहौर की संधि से हुआ। 1845-46 में संधि हुई थी। सेकंड है नरबली का दमन। हार्डिंग ने खोन जाति में प्रचलित नरबली प्रथा का दमन करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 ईस्वी
36 वर्ष की अवस्था में भारत का गवर्नर जनरल बना। पहला है पंजाब का विलय। डलहौजी ने 1852 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार
और जो संथाल विद्रोह हुआ था वो भी 1855-56 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट है भारत के वायसराय, 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल की संज्ञा थी अब वो वायसराय के रूप में दी जाने लग गई थी 1857 के ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1857 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, इसके बाद उसे प्रथम वायसराय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी, यह भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय दोनों था। इसके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहली 1857 ईस्वी का विद्रोह कैनिंग के काल में हुआ। सेकंड 1857 में विद्रोह में कलकत्ता, मुंबई व मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालयों के तर्ज पर की गई। नंबर थर्ड, 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया। नंबर चार, कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट यानी रुपये का प्रचलन शुरू कर दिया। प्रचलन कब किया भी रुपये का शुरू? 1857 क्रांति के बाद यानी के लॉर्ड कैनिंग के समय। नंबर पांच, असम में चाय तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवाई खेती को प्रोत्साहित किया गया। नंबर छह, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा 500 रुपए से अधिक भाग पर आयकर यानी इनकम टैक्स लगा दिया। आयात पर 110% तथा निर्यात पर 4% पर निश्चित किया गया। विधवा नंबर सात है, विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही पास हुआ था। नंबर आठ, भारतीय दंड संहिता IPS की स्थापना 1856 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही पास हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड एलिगन प्रथम, 1862 से 1863 ईस्वी तक यह भारत के वायसराय रहे थे। फर्स्ट है, वहाबियों के आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त की इसने। सेकेंड है, स्वच्छता एवं सदर न्यायालयों को उच्च न्यायालय के साथ शामिल कर दिया और 1863 में इसकी मृत्यु पंजाब में हुई थी।
नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। 1852 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तिका इस युग का कर्तव्य द ब्यूटी ऑफ एज लिखी थी। उन्होंने एक बार कहा था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संगत दी थी। उसके शासन को भारत में स्वर्णयुग का आरंभ कहा गया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1909 ईस्वी के अधिवेशन में कहा था कि रिपन भारत के वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय था। इसके काल की कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। प्रथम, वास्तविक जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के काल में ही हुई थी। सेकंड है रिपन का काल, स्थानीय स्वायत्ता शासन के जन्म का काल माना जाता है। थर्ड है 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इसी के समय में पारित हुआ था। फोर्थ है, रिपन ने नमक कर को कम कर दिया था। फिफ्थ है, 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन किया गया जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। नंबर छह है, वार्नपोल प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में इसने समाप्त कर दिया था। नंबर सात, इल्बर्ट बिल विवाद 1884 ईस्वी में रिपन के समय में ही हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण ही रिपन ने कार्यालय समाप्त होने से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया था। नंबर आठ, अकाल संहिता 1883 ईस्वी में रिपन के समय में बनी थी। नंबर नौ, इसने नगर में नगर पालिका गठन किया था, ये इंपोर्टेंट है भाई। नंबर दस, रिपन ने मैसूर राज्य को उसके पुराने शासक को वापिस कर दिया था। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन 1883-1888 ईस्वी। डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। 1885 ईस्वी में बंगाल में टेनसी एक्ट पारित किया जिसके अंतर्गत अब जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसानों को भूमि
नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी, जो पहला था लॉर्ड मिंटो वो था 1807 से 1813 जो हमने पहले पढ़ा है। नंबर एक 1986 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। सेकंड है 1986 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अपना लक्ष्य स्वराज घोषित करना। नंबर तीन 1937 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन में विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। नंबर चार 1937 में कर्नल आलकाट के स्थान पर श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट है नंबर पांच समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित किया गया। नंबर छह बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह का आरोप में 22 जुलाई 1908 ईस्वी को गिरफ्तारी कर 6 वर्ष की सजा हो गई। नंबर सात मार्ल मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी का पारित होना। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। नंबर आठ मदनलाल भिंगरा द्वारा लंदन में 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर्दन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी, जो फर्स्ट था वो 1844 से 1848 ईस्वी। फर्स्ट है 1910 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय की मृत्यु एवं जॉर्ज पंचम का राज्य रोहण। 1911 ईस्वी तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की दरबार में घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया तथा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की घोषणा की गई। नेक्स्ट है नंबर थर्ड 1911 से भारत की पांचवी जनगणना हुई।
नेक्स्ट है लॉर्ड विलिंगडन 1931-1936 ईस्वी। पहला है 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया परंतु सांप्रदायिक समस्या के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। भारत सचिव सैमुअल होर जैसे कुछ लोग जिन्हें गुप्त रूप से समर्थन कर रहे थे, फलस्वरूप गांधी जी निराश होकर लौट आए तथा जनवरी 1932 ईस्वी में पूर्ण सैन्य आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। नंबर सेकंड, मैकडोनाल्ड अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्स मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की। इस अवार्ड में हरिजनों या दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन अधिकार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त मुसलमानों, यूरोपियनों और सिखों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। गांधी जी ने इस अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन आरंभ किया। इस अनशन के छठे दिन पूना पैक्ट के द्वारा अवार्ड में संशोधन कर दिया गया। नंबर थर्ड, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का दिसंबर 1932 में आयोजन किया गया। नंबर चार, 1932 में इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में स्थापना की गई। नंबर पांच, 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। नंबर छह, 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन हुआ। नंबर सात, 2 अगस्त को ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। नंबर आठ, 21 जनवरी 1936 को जॉर्ज पंचम का निधन, एम एडवर्ड आठवें का राज्यारोहण किया गया। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो 1936-1944 ईस्वी। इसे फर्स्ट है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पहला आम चुनाव 1936-1937 हुआ। इन चुनावों में 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला जबकि 2 अन्य प्रांतों में अपने समर्थक गुटों द्वारा सरकार बनाया। नंबर सेकंड, बिना कांग्रेस की अनुमति से भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के प्रश्न पर कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 ईस्वी में त्याग पत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। नंबर थर्ड, 1937 में पहली बार एक ग्राम फैजपुर जो बंगाल में कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। नंबर चार, 1938 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नंबर पांच, 1938 में शरद चंद्र चटर्जी का जन्म 1836 में और मोहम्मद इकबाल का जन्म 1877 में हुआ था। उनकी मृत्यु हो गई थी। कब की मृत्यु? 1938 में शरद चंद्र चटर्जी की और मोहम्मद इकबाल की। नंबर छह, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। नेक्स्ट है नंबर सात, 17 अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। 17 दिसंबर को इसे स्थगित कर दिया गया। एक अन्य जो पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को, इंपॉर्टेंट है। 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। नंबर नौ, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को किसी दिवालिया हो और बैंक के उत्तर दिनांकित चेक की पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा उसे दी। नंबर 10, 14 जुलाई 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। नंबर 11, मुस्लिम लीग ने 1944 में अपने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया जबकि 1940 में प्रत्येक राज्य की मांग की गई। नंबर 12, 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड वेबल 1944-1947, इन्हें पहला है
शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को वेबल द्वारा बुलाया गया परंतु जिन्ना की हठधर्मिता के कारण असफल रहा। नंबर सेकंड, 1945 में लेबर सरकार सत्ता में आई जिसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नंबर थर्ड, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर नवंबर 1945 में लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। नंबर फोर्थ, 18 फरवरी 1946 को बंबई में 9 सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। नंबर पांच, 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा तथा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। नंबर छह, मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन योजना का आविष्कार किया गया 16 अगस्त 1946 को। ये इंपोर्टेंट है। सोलह अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का आयोजन भी किया गया। नंबर सात, जुलाई 1946 में संविधान सभा गठन तथा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नंबर आठ, 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतिम शरारत गठन हुआ। नंबर नौ, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाए। एटली ने लॉर्ड वेबल के स्थान पर विस्काउंट माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की घोषणा की। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 ईस्वी। पहला है 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की गई जिसमें भारत विभाजन की योजना थी। नंबर सेकंड, 2 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। नंबर थर्ड, 1947 में 2 सीमा निर्धारण आयोग गठित किए गए, पहला बंगाल विभाजन के लिए और दूसरा पंजाब विभाजन के लिए। सर साइरिल रेडक्लिफ दोनों आयोग के अध्यक्ष थे। नंबर फोर्थ, 7 अगस्त को जिन्ना ने भारत से कराची के लिए प्रस्थान किया जहां पाकिस्तान की संविधान सभा में उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया। नंबर पांच, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। नंबर तेईस, स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट है सी राजागोपालाचार्य 1948 से 1950। पहला है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सेकंड है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नंबर थर्ड, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें जितने भी भारतीय गवर्नर गवर्नर जनरल या वायस राय हुए हैं उन सब के समय में क्या क्या घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है। और इसमें जो मेन है 1935 के अंदर द्वारा वायस राय को गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया था, ये बहुत जरूरी है। और 1857 से पहले उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था जबकि 1857 से लेकर 1935 ईस्वी तक गवर्नर जनरल वायस राय के रूप में जाना गया। जय हिंद।